अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, आज हम आपके लिए इस गाड़ी का भी लेके आएँ। ये किया स्पोर्टी है 2021 मॉडल है। वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। जल्दी से आप सारे मैट चला जाए करें। चलिए मैं इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसकी फ्रंट से लुक देख सकते हैं। ये किया स्पोर्टी 2021 मॉडल है। इसकी ग्रिल की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक फिनिश के साथ हैं और टाइगर नॉज ग्रिल कहलाती है ये। सराउंड पे आपको आप देख सकते हैं क्रोम की लाइनिंग के साथ पियानो ब्लैक की फिनिश भी दी गई है, जो कि नॉनदलेस लुक को काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है। और सेंटर में आ जाएं तो आप देख सकते हैं किया का लोगो है और काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहा है ये भी पियानो ब्लैक के साथ। इसमें भी सिल्वर कंट्रास्ट दिया गया है। नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं इसकी फॉग लाइट और सराउंड पे सिल्वर फिनिश है और पियानो ब्लैक फिनिश भी दी गई है और क्रोम की लाइनिंग जो फ्रंट पे चल रही है। ब्लैक और क्रोम का काफ़ी ज़्यादा इस गाड़ी में यूज़ किया गया, जिससे नंदा जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बन रही है। और अराउंड द कार आपको क्लाइडिंग मिलेगी ब्लैक कलर की, जो कि आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। वाइट के साथ ब्लैक का कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी इसके अलॉय व्हील्स की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं ये किया के ओरिजिनल अलॉय व्हील्स हैं। और अगर हम टायर प्रोफाइल की बात करते चलें तो 225 55 18 इंच के आपको इसमें अलॉय व्हील्स मिलेंगे और इसमें कुमो के इंपोर्टेड टायर्स आते हैं। और आरवीएम की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं साइड टर्न सिग्नल मौजूद है, डुअल टोन में है, पियानो ब्लैक फिनिश के साथ वाइट का कंट्रास्ट दिया गया है। और इसके डोर ओपनर क्रोम में मौजूद है, स्मार्ट एंट्री सिस्टम दिया गया है इसमें। और विंडो के सराउंड पे आपको क्रोम की फिनिश दी गई है, जो कि लुक को काफ़ी इनहेंस कर रही है। रूफ रिल्स मिल जाएंगे आपको ऊपर। और यह है कुछ इसकी बैक लुक, आप देख सकते हैं एलईडी स्ट्राइप लाइट दी गई है इसमें, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। नीचे आपको साइड टर्न सिग्नल मिलेगा। नीचे आप देख सकते हैं रिवर्स लाइट भी यहाँ पर दी गई है। पियानो ब्लैक फिनिश है सराउंडिंग पे और पूरी आपको क्रोम की लाइनिंग दी गई है बैक पे। पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, बैक व्यू कैमरा। और ऊपर आ जाएं तो आपको वाइपर मिलेगा, डिफॉगर, हाई माउस स्टॉप लैंप, स्पॉइलर, शार्प इन एंटीना। चलें इसका बूट स्पेस ओपन करते हैं और आप देख सकते हैं ये है कुछ इसका बूट स्पेस। नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाएगा और काफ़ी अच्छी स्पेस में मौजूद है, आपके दो से तीन बैग आराम से आ सकते हैं। चलें इसको बंद कर देते हैं इसके टेलगेट को। बाकी व्यूअर्स आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा आपको इसकी लुक कैसी लगी। बाकी इसका बैक डोर ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं इसमें, सबसे पहले इसके डोर की तरफ आते हैं तो ऊपर आपको सॉफ्ट टच मटेरियल दिया गया, ब्लैक के साथ आपको ग्रे के कॉम्बिनेशन मिलेगा। और ये है कुछ इसकी बैक सीट्स, जो कि फैब्रिक में मौजूद हैं। आपको मैनुअल एडजस्टमेंट भी मिल जाएगी इसमें। बाकी बैक पे भी अच्छी स्पेस मौजूद है। चलें बंद करते हैं इसको, फ्रंट साइड वाले डोर को ओपन करते हैं। और यह है कुछ इसकी फ्रंट से लुक, आपको डोर ओपनर मिलेगा, ट्यूटर दिया गया है, पावर विंडोज, ड्राइवर साइड वाली विंडो ऑटो है, बाकी तीनों पावर विंडो, विंडो लॉक का बटन, उसके साथ साथ आपको डोर लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा। ओआरवीएम के रिलेटेड कंट्रोल हैं। नीचे आपको बोटर होल्डर दिया गया है, उसके साथ साथ स्पीकर मिल जाएगा। और ये है कुछ इसके डैशबोर्ड की लुक। व्यूअर्स हम इस गाड़ी के इंटीरियर में आ चुके हैं। सबसे पहले इसके स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं थ्री स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। सेंटर में आपको किया का लोगो मिलेगा, एसआरएस एयरबैग। इस गाड़ी में आपको दो एयरबैग्स मिल जाएंगे। और अगर हम फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, उस तरफ आपको इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लेट सारे कंट्रोल मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में है गाड़ी। इधर आ जाएं तो आप देख सकते हैं कुछ कंट्रोल हैं, ड्राइव मोड मिल जाएगा, पार्किंग सेंसर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, ब्रेक होल्ड का फंक्शन मिल जाएगा विद इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, दो अदद कप होल्डर्स दिए गए हैं। और ये है कुछ अंदर से इसकी लुक। और इसके डैशबोर्ड की बात की जाए तो आप देख सकते हैं डुअल टोन के साथ है, ऊपर आपको ब्लैक मिलेगा और नीचे आपको लाइट ग्रे मिलेगा, जो कि इसकी लुक को नंदलेस काफ़ी अट्रैक्ट कर रहा है। बाकी वर्स बाहर चलते हैं और आपको इस गाड़ी की डिटेल बता देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी प्राइस वगैरह। किया स्पोर्टेज की तीन वेरिएंट आते हैं, तीनों की प्राइस आपको मिल जाएगी और टैक्स वगैरह भी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर मिल जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। वेयर्स उम्मीद है आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा चाहे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वेयर्स आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।